उसके डाउट में, तो इसलिए फिर हम इस वीडियो को बनाया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि नेटवर्क अगर हम देखें तो इसमें सबसे पहले हम हार्डवेयर दो तरीके से बात करने वाले हैं इसके बारे में। पहला हम हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। अब हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है, इस पे जब हम नेटवर्किंग पे इस बेस पे डिस्कशन करते हैं तो एक समझ में ये आता है कि जो रिलेटेड टू लैन होगा वो क्या होगा, आपका हार्डवेयर से रिलेटेड होगा, और जो रिलेटेड टू वैन होगा वो क्या होगा, वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होगा। अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में, हार्डवेयर नेटवर्किंग और सॉफ्टवेयर नेटवर्किंग, इन दोनों को हम क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हार्डवेयर नेटवर्किंग क्या होती है। स्टूडेंट्स हार्डवेयर नेटवर्किंग में हम जितने भी वर्क करते हैं वो हमारे हार्डवेयर से रिलेटेड होती है। किससे रिलेटेड होती है, हार्डवेयर से रिलेटेड होती है। अब हार्डवेयर क्या होता है, सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या देखते हैं कि जो हार्डवेयर होता है वो क्या होता है, वो एक टचेबल थिंग है। कैसी थिंग है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। तो अगर हार्डवेयर ये है तो जैसे आप क्या देखते हैं, जैसे हम जो यहाँ पे रेसिवे की बात करते हैं या किसी को एक मिनट के लिए हम फाइबर ऑप्टिक केबल की बात करते हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल हो गया या जो G5 केबल हो गया, ऑक्सीफोरम केबल हो गया, ये जितने भी केबल हैं, जैसे जो कैमरे की केबल होती है या नेट केबल जो होता है आपने देखा होगा, उसका क्या, उसके पीछे क्या होता है, एक पोर्ट लगा होता है। क्या होता है, पोर्ट होता है। ये जो पोर्ट होता है, ये पोर्ट किसको रन करता है, नेट को रन करता है। कभी कभी क्या किया जाता है, आपने देखा भी होगा कि पहले जो फोन होते थे, जो फोन होते थे उन्हीं से हम नेट भी यूज कर लेते थे, उनका यूज हम नेट चलाने के लिए करते थे, इंटरनेट जब लोग यूज करते थे तो वही जो केबल होती थी उसी से क्या हो जाता था, इंटरनेट भी यूज करते थे। तो इस पे क्या होता था, बैलेंसिंग का बहुत ज्यादा आता था। तो धीरे धीरे इसको क्या किया गया, चेंज किया गया और पार्टिकुलर इसकी केबल अलग कर दी गई और इसकी जो कैटेगरी थी वो अलग कर दी गई। अब हम हार्डवेयर की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो हार्डवेयर के लिए सबसे पहले अगर आप किसी एक लोकल एरिया के लिए अगर आप लैन के लिए वर्क कर रहे हैं, लैन का मतलब क्या हो गया, लोकल एरिया नेटवर्क के लिए वर्क कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक सर्वर रूम टाइप का, जहां से आप क्या करते हैं, सर्वर को एक सिस्टम के पास अवेलेबल करवाते हैं। जितने भी यहां सिस्टम होते हैं उनको क्या करते हैं, जो उनको अवेलेबिलिटी देता है नेटवर्क की, वो क्या होता है, सर्वर रूम होता है। अब यहां पे जो टेम्परेचर होना चाहिए वो बहुत ही कम होना चाहिए, क्योंकि जो नेट रन करता है वो किस पे कम, किस पे वर्क करता है, बहुत ही वहां का जो वेदर कंडीशन होना चाहिए वो कूल होना चाहिए, या यहाँ का जो पार्टिकुलर एरिया होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए। दूसरी चीज यहाँ पे क्या होती है कि नेटवर्क के बारे में जब हम बात करें तो ये क्या होता है, लैन नेटवर्क होता है और यहां से सब्सक्राइबर मिल जाती है। आप यहां हम दो नेटवर्क की बात करते हैं, हम यहां दो नेटवर्क की बात करते हैं, एक इंटरनेट नेटवर्क की बात करते हैं और एक सिस्टम नेटवर्क की बात करते हैं। अब जब हम सिस्टम नेटवर्क की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, जब हम सिस्टम नेटवर्क की बात करते हैं तो आप क्या करते हैं, देखिएगा, जैसे एक लाइब्रेरी है या एक कंप्यूटर लाइब्रेरी है, तो वहां पे क्या होता है कि आपको 10 से 15 सिस्टम दे दिया जाता है और आप क्या करते हैं उसको एक से इंटरकनेक्ट करके आप उस पर रन करते। तो होता क्या है कि जैसे यहां पे क्या है कि ये क्या है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब यहां पे जो फोर्थ वर्क करेगा उसको वो फर्स्ट सिस्टम पे बैठा हुआ जो पर्सन है वो क्या कर सकता है, इनकी फाइल को बिना किसी के सपोर्ट से यहां पे फाइंड आउट करके यहां पे वर्क कर सकता है। इसी तरीके से जो सेकंड बैठा हुआ है वो फिफ्थ की फाइल लेके यहां पे वर्क कर सकता है। मतलब क्या होता है कि यहां पे लोग एक साथ, जिसको हम मल्टी कंप्यूटर बोलते हैं, मल्टीनेशनल कंप्यूटर या मल्टी कंप्यूटर बोलते हैं, तो इस तरीके से आप क्या करते हैं कि हम फाइल को चेंज कर सकते हैं या
बिना ह्यूमन पावर के आप इसको बना सकते हैं। दूसरा जो नेटवर्क की बात है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज और हम नोटिस करते हैं कि जो लैंड नेटवर्क है, ये क्या करता है, ये किसी एक पार्टिकुलर एक एरिया पे वर्क करता है। जैसे किसी पार्टिकुलर किसी एक बिल्डिंग पे वर्क करेगा और जो मैन नेटवर्क होता है वो क्या होता है, एक मल्टी एरिया के जहां जहां उसकी एबिलिटी आप देना चाहेंगे कि वहां वहां पे वर्क कर सकता है। जैसे आप यहां बैठे हो किसी और वो पार्टिकुलर किसी एक कोड पे डिपेंड करेगा, वो कोड अगर उस आदमी को उस मेंबर को उस एम्प्लॉय को पता है तब वो इसके साथ वर्क कर सकता है, नहीं तो वर्क नहीं कर सकता। ऐसे जब हम देखते हैं तो वाई नेटवर्क होता है, तो वाई नेटवर्क क्या होता है, वाई नेटवर्क में भी यही वर्क होता है कि ये क्या होता है वाई एरिया नेटवर्क होता है, ये किसी एक बड़े एरिया को कवर करता है। और वहां पे कहीं कहीं आपने सुनना भी होगा कि यहाँ पे क्या है वाईफाई नेट जो है वो फ्री है, उस स्टेशन पर जैसे जो महानगर है वहां पे जो नेट की अवेलेबिलिटी है वाईफाई की अवेलेबिलिटी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो वहां पे बैठ के क्या किया जाता है कि आप बैठ के ट्रेन को चेक कर सकते हैं या ट्रेन की टाइमिंग को चेक कर सकते हैं इस तरीके से स्टूडेंट्स। और दूसरी चीज जो आती है स्टूडेंट्स, इसमें हम देख सकते हैं कि नेटवर्किंग में नेट जो होता है वो सिर्फ एक इंटरकनेक्टेड होते हैं, वो क्या होते हैं सिर्फ एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, है सेम ही, बस जो हमारी नेसेसिटी है जिस चीज की हमको नेसेसिटी है वो हमको कहां यहां पे आसानी से मिल जाते हैं। जैसे यहां पे बैठा हुआ आदमी क्या करता है, कोई एक अपलोड करता है और यहां पे बैठा हुआ आदमी इसको जब फाइंड आउट करता है तो इसी के द्वारा जो इन्होंने अपलोड किए हैं उसी फाइल को हम क्या करते हैं अपलोड करके हम प्रेजेंट कर देते हैं। तो ये क्या है, हर कोई जो होता है वो किसी ना किसी तरीके से आप चाहे घर पर बैठ के भी आप क्या करते हैं, जैसे कोई पीपी या कोई स्कूल के एनिमेशन भी जब आप अपलोड करते हैं और यहाँ पे बैठे हुआ आदमी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बैठे जो बैठे हुए हैं उनको अपने स्कूल की क्या चाहिए एक पिक चाहिए या डिटेल चाहिए, तो वो यहाँ पे जो अपलोड की गई है या यहाँ पे जो पिक अपलोड की गई है वो पिक क्या